गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपने एमएस एक्सेल में कैसे हम लोग टोटल घंटों को कैलकुलेट करते हैं। जी हाँ, यह अक्सर आप लोग देखे होंगे कि अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं, किसी आप दफ्तर में जाते हैं, तो वहां पर टाइम का हिसाब होता है। कितना बजे कोई आदमी प्रवेश कर रहा है और कितना बजे आदमी वो निकल रहा है, मतलब कितना समय वो उस जगह पर बिता रहा है, उसका एक रिकॉर्ड हम लोग कैसे रखेंगे, वो आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने एमएस एक्सेल के वर्कशीट पर और देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट टोटल आवर्स, मतलब कैसे हम लोग टोटल घंटों को कैलकुलेट करेंगे। So, let's go. जैसे कि हम लोग आ गए हैं एमएस एक्सेल के वर्कशीट पर और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डेटा मौजूद है और इस डेटा में क्या कहा जा रहा है कि इन टाइम और आउट टाइम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टाइमिंग दिया गया है और इसमें बाहर निकलने का टाइम दिया गया है, अंदर आने का टाइम जैसे देखिए किसी में 9 बजे है, किसी में 10 बजे है, किसी में 9:05 में है, इतना टाइम में कोई आदमी प्रवेश करता है और इतना टाइम में वो बाहर निकलता है। तो टोटल आवर्स कितना हुआ, कितना घंटे तक वो समय बिताया वहाँ पर, तो इसका देखिए रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली देखिए इसमें अगर हम लोग कोई भी चेंजिंग करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें हम लोग कर देते हैं 5:10:00 PM, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी 10 मिनट बढ़ गया है ना। यहां पर अगर मान लीजिए हम कर देते हैं 5:00 और यहां पर कर देते हैं PM, देखिए ऑटोमेटिक यहां भी चेंजिंग हो रहा है। तो देखिए ये कैसे संभव है, आज के टॉपिक में हम लोग इसी को जानने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहां से डिलीट कर देते हैं और यहां से हम लोग मान लेते हैं कि टाइमिंग जो रहेगा वो 9 बजे है। मान लेते हैं यहाँ पर 9 बजे है, यहाँ पर 5:10 है, या मान लीजिए यहाँ पर हम कर देते हैं 4:00:00 और PM, ठीक है। अब इसमें आप लोग जानना चाहते हैं कि इतना बजे ये कोई आदमी प्रवेश किया और इतना बजे वो यहाँ वहां से निकल गया, तो कितना घंटा तक वो समय को वहां पर बिताया, टोटल आवर्स कितना। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा कोडिंग करेंगे, इसमें लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू, देन हम लोग इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ई कॉलम के 4 वाले जो रो है उसके सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, देन हम लोग लिखेंगे अच्छा यहाँ पर इफ कंडीशन का भी हम लोग फॉलो करेंगे, इफ कंडीशन देन इसको लिखेंगे, देन ग्रेटर देन लगाएंगे, देन इन टाइम का जो सेल एड्रेस है इसको सिलेक्ट करेंगे, देन लगाएंगे कोमा, फिर हम लोग लिखेंगे ये जो आउट टाइम का सेल एड्रेस है, देन माइनस इन टाइम का सेल एड्रेस को माइनस कर देंगे, देन हम लोग यहां पर अगर ये बड़ा है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ अगर आउट टाइम इन टाइम से ज्यादा है तो आपको क्या करेगा, आउट टाइम से इन टाइम को माइनस करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा 1+ कर देगा, किससे, आउट टाइम का जो सेल एड्रेस है और इन टाइम का जो सेल एड्रेस है उसमें से, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहां पर दिखा रहा है वो 7 घंटा जो है यहां पर समय बिताया, इसको हम ड्रैग कर देंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहां पर टाइमिंग चेंज हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि टाइमिंग का जो फॉर्मेट है वो बदल के रहता है, तो फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। कंट्रोल के साथ इसके लिए 1 बटन प्रेस करेंगे तो तुरंत आपके सामने ये वाला विंडो खुल जाएंगे। यहां से आपको टाइमिंग सेक्शन में आना है और ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छा से यहां पर देखने को मिल जाए। तो ये वाले जो सेक्शन है इसमें आपको क्लिक किया करना है जो जिसमें आपको टाइमिंग दिया है, बस इसको ओके कर देना है, बस यहां पर आ जाएंगे और इसको आपको सिंपल सा ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।